हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक बात बताई थी कि हमारी कॉमर्स एंड बिजनेस की फुल फॉर्म क्या होती है, उसी टॉपिक को लेकर के आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो इसको बगैर अपने टाइम को वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं, बगैर कुछ देरी किए हुए, कि हमारे बिजनेस एंड कॉमर्स की फुल फॉर्म क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे क्या है कि आपको वीडियो की जो आगे वीडियो आएंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बगैर कुछ देरी किए हुए कि हमारी कॉमर्स एंड बिजनेस की फुल फॉर्म क्या होती है। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप एक्साइटेड हैं इस चीज़ को जानने के लिए, कॉमर्स और बिजनेस की फुल फॉर्म क्या होती है? क्योंकि हम बहुत समय से बिजनेस और कॉमर्स पढ़ते आ रहे हैं, कॉमर्स भी हमने पढ़ी है, बिजनेस भी हम पढ़ते आ रहे हैं, मगर इसकी फुल फॉर्म हमको नहीं पता। मगर जैसा कि आप बोर्ड पर देख भी पा रहे हैं कि हमारे कॉमर्स एंड बिजनेस की फुल फॉर्म क्या होती है, मगर फिर भी मैं आपको एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमारी बिजनेस एंड कॉमर्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बगैर कुछ देरी किए हुए। तो हमारे यहाँ पर कॉमर्स की बात है, तो कॉमर्स की जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी जैसे सी है, तो सी से क्या बनता है? कोऑर्डिनेशन। ओ से ऑफ, एम से मनी, ये 2M है तो इसका मतलब मनी एंड मटेरियल। ई से एफिशिएंटिटी फॉर रैपिड कंटिन्यूस अर्निंग, यानी कि इसका मोटा मोटी अगर हम देखें तो क्या है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ मनी एंड मटेरियल एफिशिएंटिटी फॉर रैपिड कंटिन्यूस अर्निंग, यानी अगर हम इसका वैसे अगर मीनिंग देखें तो क्या है कि हमें अर्निंग करनी है किससे? बाय एंड सेल से। जो भी बाय एंड सेल से जो हमारी अर्निंग हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं? कॉमर्स कहते हैं। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे बिजनेस की तरफ। जो हमारे बिजनेस होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? BUSINESS। बिजनेस की जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। बी से हमारा जो बनता है बेस्ट, यू से बनता है अपकमिंग, एस से बनता है स्टार्टअप, आई से बनता है इनवांटेड, एन से नोट, ई से इफेक्टेड, एस से सोसाइटी, एस से सक्सेस। यानी अगर हम इसको वैसे देखें तो क्या है, एक साथ में देखें तो बेस्ट, अपकमिंग, स्टार्टअप, इनवांटेड, नोट, इफेक्टेड, सोसाइटी एंड सक्सेस। यानी कि अगर इसका मीनिंग देखें तो क्या है कि बाजार में एक ऐसी नई तकनीक का आविष्कार हम करें जो कि इफेक्टेड ना करे, कौन इफेक्टेड ना करे, जिसको सोसाइटी, जो हमारे सामाजिक जो तत्व हो वो, और हमारी सक्सेस जिसको कि इफेक्टेड ना करे। यानी कि इसके मीनिंग से पता लगता है कि यानी बेस्ट, हम कोई ऐसा बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके आए, अपकमिंग, बेस्ट अपकमिंग लेके आए, स्टार्टअप करें उस चीज़ को कि इनवांटेड, नोट, इफेक्टेड, सोसाइटी एंड सक्सेस। तो ये हमारी होती है बिजनेस की फुल फॉर्म। यानी आपके सामने दोनों फुल फॉर्म है, बिजनेस की फुल फॉर्म और कॉमर्स की फुल फॉर्म है। तो ये होती है हमारी बिजनेस एंड कॉमर्स की फुल फॉर्म। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि भाई हमें पता भी नहीं होता, और हम पढ़ते आ रहे हैं इतने सालों से, मगर फिर भी हमको नहीं पता कि भाई बिजनेस और कॉमर्स की फुल फॉर्म क्या होती है। मगर मैंने आपके सामने आज क्लियर कर दी कि हमारी ये तो कॉमर्स की फुल फॉर्म होती है और ये हमारे बिजनेस की फुल फॉर्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब